जय हिंद दोस्तों। दोस्तों मैंने SSC GD का एग्ज़ाम 2017 में दिया था, जिसमें मेरे 85 प्लस मार्क्स आए थे और मुझे और मैंने पहली जो प्रेफरेंस दी थी वो मैंने NIA को दी थी, बट NIA की कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई थी, अबाउट 90 प्लस गई थी और मुझे NIA नहीं मिली। मुझे CSM मिली, मेरी ट्रेनिंग MP में हुई, मध्य प्रदेश, और ट्रेनिंग मेरी लगभग 11 महीने की थी। इस बार भी वैकेंसी SSC GD की आ चुकी है, इसकी लास्ट डेट 23 नवंबर है। आप SSC की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। ये जो एग्ज़ाम होगा वो जनवरी 2023 में होगा। टोटल वैकेंसी इस बार दोस्तों 24,369 हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी BSF में है, 10,497 वैकेंसी BSF में है। इस बार BSF में इस बार केवल 100 वैकेंसी आई हैं और इस बार नारकोटिक कंट्रोल्स ब्यूरो की भी पोस्ट हैं, जो कि 164 हैं। दोस्तों आप में से जो जनरल कैटेगरी के लड़के हैं उनके लिए हाइट जो है 170 सेंटीमीटर, जनरल OBC और SC जो हमारे दोस्त हैं उनके लिए, जो मेल कैंडिडेट हैं यानी लड़के हैं उनके लिए हाइट 170 है मिनिमम हाइट, और जो ST कैंडिडेट हैं हमारे ST कैंडिडेट बॉयज़ में उनकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए मिनिमम, और लड़कियों के लिए जनरल OBC और SC के लिए जो मिनिमम हाइट है वो 157 सेंटीमीटर है, ST कैंडिडेट कैटेगरी की लड़कियों के लिए 150 हाइट है। और लड़कों को जो है 24 मिनट है 5 किलोमीटर रेस लगानी होगी और लड़कियों के लिए 1600 मीटर 8.5 मिनट में लगानी होगी। और इसमें दोस्तों आर्मी की तरह नहीं होता कि शुरू के कैंडिडेट लिए जाते हैं, इसमें आपको 24 मिनट के अंदर लगानी होती है। अगर आपने 24 मिनट के अंदर क्वालिफाई कर लिया है तो आपको पास माना जाएगा और मुझे अपने कमेंट में बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।